बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, शुक्रिया। ये कोरोना की 5 लहरें इधर पाकिस्तान से गुजरी है और ये चकवाल में भी जिला चकवाल के 15 लाख अवाम ने कोरोना का भरपूर मुकाबला किया और खासकर ये आखिरी जो 5वीं लहर जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया, तो ये वायरस के बारे में अमूमी माहरीन का यही ख्याल था कि ये एक आम जुकाम और नज़ला जिस तरह एक मौसमी एक बीमारी है, ये उस तरह किया और बहरहाल ये दुरुस्त साबित हुआ और ओमिक्रॉन को इतना ज़्यादा मौलक साबित नहीं हुआ। तो बहरहाल ये ग्रीन टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर जमाल नासर, जो कि माहिर वबाई अमराज भी हैं, ये इन्होंने भी उस वक्त कोरोना के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त जो बातें की थी वो हरफ हरफ सच साबित हुई। तो बहरहाल उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये मुल्क के ये जो 22 करोड़ अवाम हैं इसमें से 11-12 करोड़ लोगों को कोरोना हो चुका है और लोगों को पता ही नहीं चला क्योंकि यहाँ के लोगों में कुत्ते मुदाफत ज़्यादा है। तो बहरहाल ये बात बाद में दुरुस्त साबित हुई और जिन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट करवाए तो उसमें भी इस बात की तस्दीक हुई कि इन लोगों को कोरोना हो चुका है। तो बहरहाल अब ये डॉक्टर जमाल नासर ने ये अभी जो कोरोना की आड़ में ये जो लूटमार खसूसी तौर पर रेल लाइन कंपनियों ने शुरू कर रखी है उसके बारे में बड़ी पुरमगज गुफ्तगू की और हैरत अंगेज इंकशाफात की हैं। तो ये ज़रा डॉक्टर जमाल नासर की गुफ्तगू मुलाहजा करें। देखिए, नया ड्रामा शुरू हो गया, एयरलाइन का ड्रामा। एयरलाइन ने ना ठेके जो है करोड़ रुपए लेके दिए हैं, मतलब जिनको दिए ना पीसीआर टेस्टिंग के लिए एयरलाइनों ने, उस पर करोड़ों रुपए का बिजनेस हुआ है, रिश्वतें दी गई हैं। मैं ये आपको बताऊं आज, अब आप देखें दुबई जाना है आपने 3 दिन के लिए, पहले आप एक टेस्ट कराएं, फिर एक एयरपोर्ट पे टेस्ट कराएं, फिर एक उतर के एयरपोर्ट पे कराएं, फिर वापस आने के लिए कराएं, फिर पाकिस्तान में पकड़ाएं। क्या बकवास, जबरदस्त बात की आपने जी। मुझे बड़ी खुशी है आपने सवाल बड़ा छेड़ा है। ये फ्री की तरफ है, ये मेरे आपके टैक्सों से है जी। आपको बताऊं इंग्लैंड, आज ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कई मुल्क हैं जिन्होंने पीसीआर खत्म कर दिया अपने मुल्क में आमद पर। ये बिजनेस हो रहा है इसके ऊपर, वो अगर ये मुफ्त खरीदी है हुकूमत, बताए ना आप एयरपोर्ट पे जो आप कह रही है फ्री हो गया, मेरा आपके टैक्स से खरीदा जा रहा है ना, बिल्कुल, उस पर पता नहीं कितने किकबैक्स चल रहे हैं, कितनी कमाई हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, उसको खत्म करो खुदा के वास्ते। हमारे को इतनी बड़ी वो हमारे मुल्क में वो नहीं है कि बड़ी दूध की नहरें लो रही है, लोग बड़ा खौफ शौक से आएंगे, जिसमें कि पहली करोड़ लोग बीमार हैं। आपने ये भी पैसा जो है यकीन करें, इतना मुझे अफसोस होता है जब मैं रोज पढ़ता हूँ ना, आज 60,000 टेस्ट हो गए पीसीआर कोरोना के, ये इतना पैसा अगर हम अस्पतालों पर लगा दें तो हमारे अस्पताल इंग्लैंड और अमेरिका के मुकाबले पे हो जाए, ये बिजनेस हो रहा है ना। मैंने आपको क्या कहा मेरी बहन, आपको यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस पर बिजनेस हो रहा है, इस पर लोगों को। अब आप देखें एयरलाइन ने ड्रामा लगा लिया, आपने सही सवाल किया, एक पहले हो गया, एक एयरपोर्ट पे गया, लेकिन जब जहाज के अंदर उन्होंने ना मुसाफिरों को जैसे भेड़ बकरे में डाला हुआ है, सीटें बढ़ा दी है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो कोरोना जहाज के अंदर है सीटों की तादाद बढ़ गई है, वहां तो ऐसे चिपका के बिठाया होता है, वहां कहां गया कोरोना, वहां किधर एसओपी गए जी। आप सवाल, अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, कहां गया वो कोरोना, सब बकवास, सब ड्रामा, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पैसे का हमारा जाया क्यों हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, किकबैक्स हो रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ